बचपन से एक उम्मीद। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। एक मतदाता के जैसा और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट की तरह मैं चंद्रबाबू नायडू जी को जानती हूँ। चंद्रबाबू नायडू जी एक मुख्यमंत्री की तरह एक बहुत ही बड़े, एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। उनको क्या करना है, कैसे करना है या किस हद तक उनको सोचना है, इसका उनको बहुत ही अच्छी तरह से क्लैरिटी है। उनको अभी जीतने वाले कैसे जीते, अभी जीतने वाले कैसे जीते ये वो भी स्वयं जानते हैं, उनके लोग भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले भी जानते हैं, तेलंगाना राज्य वाले भी जानते हैं, भारत देश जो मुसलमान का रिजर्वेशन का था वो मुद्दा अफगानी था और वो मुद्दा देश के लिए नहीं था। वो कहीं कर्नाटका में कई दिन पहले एक दूसरी समस्या के ऊपर बात किया हुआ था, उसका वो लोग एडिट कर उसका गलत मतलब निकाले जैसे निकाल कर देश में पूरा उसको एक प्रकार से इसका प्रचार किया। तो प्रत्यर्थियों के पास कोई मुद्दा तो नहीं था बात करने के लिए, लेकिन जो हमारे मुद्दे थे उसका गलत मतलब निकालने का मुद्दा उनके पास था। 130 करोड़ प्रजा में जो बलहीन होते हैं, जो सोच नहीं सकते, जो डर जाते हैं, वैसे भी तो होते हैं लोग, तो उनके उस डर के वजह से कहीं वो अटक गए। भाजपा में सारे लीडर्स को सीधे साधे सामने से लड़ना ही आता है, लेकिन इतिहास और पुराणों में ये काफी बार दिखाया गया है जब भी न्यायबद्ध कोई लड़ाई लड़ते हैं जीतता तो न्याय ही है, लेकिन उसके जो लड़ाई हम असत्य से करते हैं, अन्याय से करते हैं, इस दरमियान इस दौरान हम बहुत सारा खोना भी पड़ता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रत्यर्थी के पार्टी लोग एक दलित का बात का गलत मतलब निकालकर जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बात भी नहीं था, जो बात मोदी जी से या अमित जी से नहीं निकला, उसको ये लोग बनाकर उस बनावटी बात के ऊपर कई लोगों को एक डर जो दिखा दिए। तो कभी होता है जैसे कि पांच उंगली एक तरह से नहीं होते हैं, हर मतदाता एक प्रकार से नहीं होते, तो कहीं ना कहीं वो भटक गए थे इस बात को सच मानकर। और दूसरी बात, जो मुसलमान का रिजर्वेशन का था वो मुद्दा अफगानी था और वो मुद्दा देश के लिए नहीं था, वो कहीं कर्नाटका में कई दिन पहले एक दूसरी समस्या के ऊपर बात किया हुआ था, उसका वो लोग एडिट कर उसका गलत मतलब निकाले जैसे निकालकर देश में पूरा उसको एक प्रकार से इसका प्रचार किया। तो प्रत्यर्थियों के पास कोई मुद्दा तो नहीं था बात करने के लिए, लेकिन जो हमारे मुद्दे थे उसका गलत मतलब निकालने का मुद्दा उनके पास था। तो 130 करोड़ प्रजा में जो बलहीन होते हैं, जो सोच नहीं सकते हैं, जो डर जाते हैं, वैसे भी तो होते हैं लोग, तो उनके उस डर के वजह से कहीं वो अटक गए थे। लेकिन अंत में जिस प्रकार से पांडव का ही जीत हुआ है, वैसा हमारा भी भाजपा का न्याय का जीत हुआ है। इस जीत से हम तीसरी बार फिर से हम गवर्नमेंट बनाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं, और जिस गलत फहमी में ये लोग प्रजा को रखे हैं, अब की बार हमें पूर्ण विश्वास है मोदी जी अमित शाह जी इसको निकाल के उखाड़ के फेंक देंगे और फिर से ऐसी स्थिति पे लेके आएंगे कि प्रजा को अब की बार पूर्ण तरह से समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से वो लोग प्रत्यर्थियों के बातों में आकर भटक गए। मैं बचपन से एक उम्मीद, एक मतदाता के जैसा और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट की तरह मैं चंद्रबाबू नायडू जी को जानती हूँ।
चंद्रबाबू नायडू जी एक मुख्यमंत्री के तरह एक बहुत ही बड़े, एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। उनको क्या करना है, कैसे करना है या किस हद तक उनको सोचना है, इसका उनको बहुत ही अच्छी तरह से क्लैरिटी है उनको। और मुझे पता है कि किस प्रकार से मोदी जी भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जिस प्रकार से अमित जी भी एक अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं, ये दो भी जानते हैं चंद्रबाबू नायडू जी। इसीलिए मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका भी नहीं है कि एक मिनट के लिए भी मुख्य अपने अभी होने वाले कल मुख्यमंत्री जो है चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश के, वो इंडी के तरफ सोचेंगे भी नहीं। और मेरे हिसाब से आज दिल्ली में है, वो पत्र भी दे दिए हैं होंगे प्रधानमंत्री जी को, और इसका शुभकामनाएं हम देते हैं चंद्रबाबू नायडू जी को और आशा करते हैं कि फिर से आंध्र प्रदेश भी उनके मुख्यमंत्रित्व के दौरान काफी तरक्की देखेगी जो इतने दिन तक स्तंभित हो गई है। पहली बात तो यह है कि मैंने जितना भी कैंपेनिंग की है, मैं किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं कही है। जो जिम्मेदारी मुझे दिया गया है वो जिम्मेदारी में मुझे कैंपेनिंग करना है, प्रजा के पास जाना है, उन गलियों उस मोहल्लों में मुझे फिरना चाहिए, यही मेरा कर्तव्य है। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। इस कर्तव्य के प्रति बैलेट पेपर के वोटिंग वाले भी अपना जो पूर्ण विश्वास और है उसको उन्होंने निभाया है हमारे प्रति और हमको जिताया है। बैलेट वोटिंग में हमें सबसे ज्यादा अंक या आंकड़ा मिले हैं, वोट्स मिले हैं। अभी जब ईवीएम मशीन्स का वोटिंग हुआ है, 3,23,889 लोग आगे बढ़कर हमको वोट दिए हैं। भाई एक बात मैं कह सकती हूं कि ये सब प्यार और उम्मीद, जो भरोसा हमारे ऊपर था हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटर्स, पूर्ण प्रयत्न किए हमें हमारे ऊपर दिखाने की। इसमें ना बोगसिंग है, इसमें ना रिगिंग है, इसमें ना बूथ कैप्चरिंग है, इसमें ना रउडीज है, इसमें ना गालियां हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें ना पुलिस कॉम्प्रोमाइज का स्थिति है, इसमें ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम ना करने की बात है। इसमें स्वच्छ तरह से स्वयं लोग आगे निकलकर हमको चुने हैं। उनके लिए तो हम जिस दिन से, जिस मिनट से वो लोग वोट डाले उसी दिन से हम उनके एमपी हो गए। अभी जीतने वाले कैसे जीते, अभी जीतने वाले कैसे जीते ये वो भी स्वयं जानते हैं, उनके लोग भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले भी जानते हैं, तेलंगाना राज्य वाले भी जानते हैं, भारत देश भी जानते हैं। अब इसके ऊपर वो लोग बैंड बजाए, गाना गाले, रंग फेंके स्वयं पे, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने मतदाताओं के लिए आखिरी दम तक अपने लोकसभा पार्लियामेंट में ठहरेंगे और उनको न्याय दिलाकर ही रहेंगे।